हेलो गाइस, शिक्षा मनोविज्ञान के अगले चैप्टर में हम आपसे बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक, तो हमने आपको बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक या मनोविज्ञान के जनक की बात अगर हम करते हैं तो देखते हैं हम लोग मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये बात, विलियम जेम्स। ठीक, और देखिए बात पूछी जाती है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात अगर हम करते हैं, के जनक की बात करते हैं तो ये थार्नडाइक। ठीक, और प्रथम प्रयोगशाला की बात करते हैं, प्रथम प्रयोगशाला की अगर हम बात करते हैं और ये विश्व में बात करेंगे। ठीक, प्रथम प्रयोगशाला की अगर हम बात करते हैं तो विलियम उंट, उंट का नाम आपने सुना होगा, विलियम उंट। ठीक, और इन्होंने 1879 ईस्वी में एक प्रयोगशाला का निर्माण किया जो कहां पे था, जर्मनी में था। और इसके अध्ययन का जो विषय था, ध्यान रखेंगे मनोविज्ञान का जो विषय है आज के समय में, आधुनिक मनोविज्ञान में, जो शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वह व्यवहार का अध्ययन करता है, लेकिन विलियम उंट ने जिस प्रयोगशाला की स्थापना की थी उसके अध्ययन का विषय मन था। आई बात समझ में? और इसके बाद मन के साथ आपको भी याद रखना है कि जिन्होंने जो प्रयोगशाला का निर्माण किया उसका नाम था साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला बनी थी वह बनी थी कलकत्ता में, और इसका जो सन है वह 1916 ईस्वी में बनी थी। अगर भारत में पूछा जाता है कि भारत में जो प्रयोगशाला बनी है वह कहां पर है, वह कलकत्ता में, कब इसका निर्माण हुआ, 1916 ईस्वी में, और प्रथम प्रयोगशाला की अगर बात करता है तो 1879 ईस्वी में विलियम उंट ने जर्मनी में यह प्रयोगशाला स्थापित की थी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो प्रयोगशाला बनी वह कहां बनी थी, इलाहाबाद में। ठीक, ये बातें इंपॉर्टेंट है, आप इसे हमेशा याद रखेंगे। और आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की जो अवधारणा है वह कब से है, तो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान तो यह शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी से। इस बात को आप याद रखेंगे 19वीं शताब्दी से, और भी सारी बातें हम बात करेंगे। ठीक, इतनी बातें आप हमेशा याद रखेंगे। अगर मनोविज्ञान के जनक की बात पूछता है तो आप विलियम जेम्स का नाम बताएंगे, अगर शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात करता है तो आप थार्नडाइक को बताएंगे, और विश्व में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, विलियम उंट ने, कब की, 1879 ईस्वी में, और जर्मनी में इस प्रयोगशाला का निर्माण हुआ और इसके अध्ययन का जो क्षेत्र था वह मन था, साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट प्रथम प्रयोगशाला का नाम था, अगर भारत में प्रथम प्रयोगशाला की बात करते हैं तो वह कलकत्ता में स्थापित हुई 1916 ईस्वी में, और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो यह प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम इलाहाबाद में स्थापित की गई थी। और आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रारंभ होती है वह कब से मानी जाती है, वह आपकी 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। आइए अब हम बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी, उसमें इम्पोर्टेंट दो परिभाषाएं हैं जिसे आप याद रखेंगे। और पहली परिभाषा दी स्टीफन
और इन्होंने क्या कहा, देखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं कभी कभी पूछ लिया जाता है, परिभाषाएं ऊपर दे करके नीचे पूछता है कि यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है, तो इस उद्देश्य से यह इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षा मनोविज्ञान इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। इस बात को आप याद रखेंगे। और इसी से संबंधित एक और परिभाषा दी थी हमारे स्किनर ने, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यह कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान, लिख देते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके विज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। दो परिभाषाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। ठीक, परिभाषाएं क्या है? स्टीफन ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, यानी कि शिक्षा में जो शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं उसके विकास में मनोविज्ञान की बहुत बड़ी अहमियत होती है। और इन्होंने, स्किनर महोदय ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होता है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षण तथा अधिगम से किसने बताया, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण तथा अधिगम का संबंध बताया। आई बात समझ में? तो इसके बाद क्रो एंड क्रो ने भी कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, अब आइए इसके कार्य क्षेत्र की बात अगर हम करते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे हम इसके कार्य क्षेत्र पर, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र की बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है अधिगम की प्रक्रिया। पहले मैं आपको सब पॉइंट्स लिख देता हूं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक, उसके बाद पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यक्रम निर्माण। अब इसके बाद तीसरे पॉइंट में बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य। और चौथे पॉइंट पे अगर हम बात करें शिक्षण विधियां। और चौथे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो मापन और मूल्यांकन। पांचवे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं व्यक्तित्व। छठे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो अपवादात्मक बालक। और सातवें नंबर पे अगर हम बात करते हैं निर्देशन व परामर्श। आठवें नंबर पे हम बात करते हैं वंशानुक्रम का अध्ययन। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत भिन्नता। और भी पॉइंट है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपके ये है, जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि पहला इसमें पॉइंट है अधिगम की प्रक्रिया। तो अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम का मतलब हमारे मनोविज्ञान में क्या होता है, इसका मतलब होता है सीखना।
क्या होता है? सीखना। यानी व्यक्ति को जो सीखने की प्रक्रिया होती है, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे किसी बच्चे को हमें कुछ सिखाना है तो सबसे पहले उसका कुछ स्टेप होते हैं कि पहले हम क्या सिखाएं तो बच्चा अच्छे से सीख लेगा। ठीक, तो इस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का अहम रोल होता है। इसके बाद पाठ्यक्रम निर्माण। देखिएगा, जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है वह बिना शिक्षा मनोविज्ञान के नहीं हो सकता। तो शिक्षा मनोविज्ञान हमें ये बताता है कि बालक कितना सीख सकता है, उसके हिसाब से हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना होता है। और ये सारी बातें कहाँ से मिलेंगी? शिक्षा मनोविज्ञान से ही मिलेंगी। और इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य। जैसा कि अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर में अस्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यदि बालक का मानसिक स्वास्थ्य अगर हम देखते हैं कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं है, अगर स्वस्थ है वह तभी किसी बात को सीख सकता है। आप किसी टेंशन में है, आप किसी फ्रस्ट्रेशन में है और आपसे आपको कुछ भी सिखाया जाता है, आप नहीं सीख सकते जब तक आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो। और मानसिक स्थिति को जानने के लिए मनोविज्ञान का जानना अति आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करता है। ठीक, शिक्षण विधियां। देखिएगा, शिक्षण विधियां का मतलब क्या है कि जो सिखाने की विधि होती है, हम किस विधि का निर्माण करें कि यह सामने वाला जो बालक है वह अच्छे ढंग से सीख सके, इसका प्रयोग जो है किया जाता है बच्चों को सिखाने में। तो बच्चों को सिखाने के लिए शिक्षण विधियां का प्रयोग कहाँ से पैदा होगा? वह शिक्षा मनोविज्ञान से ही हम कवर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधियों में भी शिक्षा मनोविज्ञान का हाथ होता है। मापन व मूल्यांकन, देखिएगा ये सभी कार्य क्षेत्र है हमारे किसके? शिक्षा मनोविज्ञान के। बालक जो भी सीखता है उसका मापन और मूल्यांकन बहुत जरूरी है, जो कि हम किसके माध्यम से करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से करते हैं। व्यक्तित्व, देखिएगा बालक का जो व्यक्तित्व होता है, बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में शिक्षा मनोविज्ञान का अहम भूमिका होती है। ठीक, और अपवादात्मक बालक का मतलब होता है विशिष्ट बालक से है। या देखिएगा, अगर किसी भी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और सभी लोगों के विचारधाराएं अलग अलग होती है, उसी में कुछ बच्चे अपवाद भी होते हैं, हम कुछ सिखाते हैं, कुछ बच्चे जल्दी से सीख लेते हैं, कुछ मंद बुद्धि के बालक होते हैं जो नहीं सीख पाते हैं, तो ऐसे बालकों का जो निदान होता है वह शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही होता है। निर्देशन और परामर्श, एक अध्यापक को एक निर्देशन और परामर्श के रूप में काम करना चाहिए। ठीक, और वह कार्य तभी होगा जब उसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान रहेगा। वंशानुक्रम का अध्ययन, देखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रारंभ होती है वह बाल्यावस्था से ही होती है, या हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम से भी उसे कुछ ऐसे गुण मिलते हैं जो इसमें बहुत प्रभावी होते हैं, तो इसका अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता, और व्यक्तिगत भिन्नता की अगर हम बात करें तो अभी मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति हो उसके विचारधाराएं कभी समान नहीं हो सकती, उसके अंदर तमाम तरह की विभिन्नताएं होती हैं, उस विभिन्नताओं को देख करके ही हमें बच्चों को शिक्षा देनी है। तो यहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो रही है, तो शिक्षा में जो भी सुधार होगा वह मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। आई बात समझ में? तो और इसके बारे में जो अगला पॉइंट्स है, ढेर सारे पॉइंट्स है, बहुत सारी बातें हैं इसमें आपको बताने के लिए। इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वह लिंक सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठाएं। और हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।